नमस्कार साथियों, आज जो मैं आपके लिए शब्द लेके आया हूं वो है सिफिलिस। चलिए शुरू करते हैं। तो सिफिलिस के लिए जो हिंदी शब्दावली प्रयोग की जाती है वो है उपदंश या आतशक, या सिफिलिस भी इसको हिंदी में ही लिख दिया जाता है, और फिरंग। फिरंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सारी तरह की बीमारियों के लक्षण दिखाता है, तो इसीलिए इसको एक महान, हम देखेंगे कि एक अनुसरणकर्ता भी कहा जाएगा, ये लगभग बहुत सारी बीमारियों के लक्षण दिखाएगा। चलिए इसको देखते हैं। ब्रिटानिका के हिसाब से इसकी परिभाषा जो है, सिफिलिस सिस्टमेटिक डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय स्पिरोसेटे बैक्टीरियम ट्रेपोनेमा पैलिडियम। तो ये जो है ये एक प्रगतिशील प्रणालीगत रोग है जो कि स्पायरोचेट जीवाणु ट्रेपोनिमा पैलिडियम के कारण होता है। एक बैक्टीरिया है जो स्पायरोचेट उसका है, क्लास का है, फैमिली का है, और ट्रेपोनिमा पैलिडियम नाम है इसका। तो ये इसके कारण ये रोग होता है। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये एक यौन संचारित रोग है, बट इट इज ओकेजनली एक्वायर्ड बाय डायरेक्ट नॉन कंसेप्ट कॉन्टैक्ट विद अ इन्फेक्टेड पर्सन। लेकिन कभी कभी एक संक्रमित व्यक्ति के साथ गैर संपर्क द्वारा भी अधिग्रहित किया जा सकता है। इट कैन आल्सो बी एक्वायर्ड बाय एन अनबोर्न फीटस थ्रू द इन्फेक्शन इन द मदर। माता में अगर संक्रमण है तो बच्चे के जो हमारे पास है बच्चे में ये होने की संभावना रहेगी, जो तो भ्रूण होता है, भ्रूण में, इसमें हम भ्रूण में देखेंगे कि ये पाया जा सकता है, जिसके कारण बच्चे में भी हो जाएगा। रिलेटेड ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन कलेक्टिवली नोन एज ट्रोपेनोमेटोसिस और नॉन वेनरल सिफिलिस इज नॉट स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टेक्ट एंड इज लोकलाइज्ड इन वार्म पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड वेयर क्राउडेड कंडीशंस एंड पुअर हेल्थ केयर फेवर इट्स डेवलपमेंट। और एक और सिफिलिस होता है जो कि संक्रमणों का एक संबंधित समूह है, इसको हम ट्रेपोनोमेटिसियस या नॉन वेनेरियल सिफिलिस के नाम से जानते हैं। ये यौन संपर्क द्वारा नहीं फैलता है, ये उन हिस्सों में दुनिया के पाया जाता है जो गर्म हिस्से हैं और स्थानीकृत होते हैं, जहां भीड़ बहुत होती है और स्वास्थ्य देखभाल बहुत अच्छा नहीं है, तो वहां पर भी ये बीमारी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट जो हम डेफिनेशन देखते हैं वो कॉलिंस की देखते हैं। A disease chiefly sexually transmitted caused by infection with the microorganism Treponema pallidum characterized by an ulcerating chancre usually on the genitals and progressing through the lymphatic system to nearly all tissues of the body producing serious clinical manifestation. कॉलिंस यहाँ पे दो तीन चीजें कहता है। पहला तो यौन संचारित है, इसे हम पहले भी देख चुके हैं। दूसरा सूक्ष्मजीवी ट्रेपोनिमा पैलिडियम के से फैलता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ट्रेपोनिमा पैलिडियम और ये बैक्टीरिया है, देखा था हमने पीछे ब्रिटानिका के डेफिनेशन में। फिर ये बात करता है कैरेक्टराइज बाय अल्सरेटिंग चांसेस, तो अल्सर जो फोड़े होते हैं उनसे देखने को मिलेगा, जेनाइटल्स में होगा, ये आमतौर पर जननांगों में होगा, लिम्फेटिक सिस्टम से फैलेगा। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण है कि ये लसिका प्रणाली जो हमारे शरीर की है उसके माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देता है, बहुत सारी नैदानिक अभिव्यक्तियां ये उत्पन्न करता है, इसीलिए देखेंगे बहुत सारे तरह से इसको हम पहचान सकते हैं। फिर वेबस्टर इसके बारे में क्या कहता है, वेबस्टर देखें। कॉन्टेगुअस यूजुअली विनरल एंड ऑफन कॉन्जिनाइटल डिजीज कॉज्ड बाय स्पिरोचेटे ट्रेपोनिमा पैलिडियम एंड इन लेफ्ट अनट्रीटेड प्रोड्यूसिंग चैंसर्स रैशेस सिस्टमिक लेजियंस क्लिनिकल कोर्स विद थ्री स्टेजेस कंटिन्यूड ओवर मेनी ईयर्स। तो यहाँ पे जो वेबस्टर बात कर रहा है कि एक पुरानी संक्रामक बीमारी है जो आमतौर पर यौनाचार और अक्सर जन्मजात बीमारी होती है, जन्म से फैलती है, यौनाचार होता है, और स्पिरिचट है यानी ट्रेपोनिमा पैलिडियम से फैलता है, और अगर अनौपचारिक छोड़ दिया जाए तो फोड़े, चकते, प्राणीलगत घाव, प्रणालीगत घाव और तीन या चार अवस्थाओं के नैदानिक चरणों में हमें देखने को मिलते हैं। तो निष्कर्षतः हम इसमें दो तीन चीजें बात कर सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, यौन संचारित है, बैक्टीरियम ट्रेपोनिमा पैलिडियम से फेरे सब्सिस पैलिडियम, ये हमारे पास जीवाणु है ट्रेपोनिमा पैलिडियम, उपप्रजाति इसकी पैलिडियम है, सेंचरिट है जिसको हम देख सकते हैं। साइंस आर डिपेंडिंग इन विच ऑफ द फोर स्टेजेस प्रेजेंट, ये किस तरह की चार अवस्थाएं हैं, जो चार अवस्थाएं इसकी ढूंढी हमने वो थी प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट और टर्शियरी। तो प्राथमिक, द्वितीयक, अव्यक्त और तृतीय, ये चार तरह की चरण है, अवस्थाएं हैं जो इसकी मिलती हैं हमें।
प्राइमरी स्टेज में सिंगल चैंसर है, फर्म, पेनलेस, नॉट इची स्किन अल्सरेशन, यूजुअली बिटवीन 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर डायमीटर थ्रू मल्टीपल सोर्स. एक सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर व्यास के कठोर दर्द रहित गैर खुजली वाले त्वचा का अल्सर देखने को मिलता है और कई घाव भी मिल सकते हैं हमें. जैसे सेकेंडरी सिफिलिस में हमें क्या देखने को मिलेगा, अ डिफ्यूज रैश ऑकर्स व्हिच फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व्स द पाम्स ऑफ द हैंड, सोल्स ऑफ द फीट, सोल्स इन द माउथ और वजाइना. हमें क्या देखने को मिलता है कि फैलना, एक दाना होता है जिसमें अक्सर हाथों की हथेलियां पैरों के तलवों में शामिल हो सकता है, मुंह या योनि में भी घाव हो सकते हैं, हमें देखने को मिल सकते हैं. फिर लेटेंट जो तीसरी अवस्था हम देखते हैं, फ्यू और नो सिम्टम्स, इसमें हमें कोई भी सिम्टम नहीं दिखाई देते और ये फिर छुपा हुआ रहता है. और फिर अंततः जो आता है जो बहुत घातक होता है वो आता है टर्शरी सिफिलिस. इसमें हमें देखने को क्या मिलता है, गामाज देखने को मिलते हैं, गुम्मट देखने को मिलेंगे, सॉफ्ट नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है, कैंसर नहीं होता इनमें लेकिन धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं. न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और हार्ट सिम्टम्स, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं दिखेंगी, हृदय के बहुत सारे लक्षण दिखेंगे. इसे ग्रेट इमिटेटर कहेंगे क्योंकि इस दौरान ये बड़े सारे तरह के लक्षण दिखाएगा, अलग अलग तरह के, और इट मे कॉज सिम्टम्स सिमिलर टू मैनी अदर डिजीज, इसलिए अन्य बीमारियों की तरह इसमें लक्षण दिखेगा. ठीक है, यहाँ पे हम एक चीज इसमें रह गई, वो रह गई कि ये लसिकाओं से फैलते हैं, दे स्प्रेड थ्रू लिम्फ्स. तो लिम्फ सिस्टम जो हमारा है, लसिका तंत्र है, उससे फैलते हैं ये. तो हमें लसिका तंत्र से फैलाव देखने को मिलता है. सिफिलिस इज मोस्ट कॉमनली स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल एक्टिविटी, यौन क्रिया के माध्यम से सबसे अधिक फैलता है. इट ऑल्सो ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और एट बर्थ, रिजल्टिंग इन कॉन्जेंटल सिफिलिस. ये जन्म के समय मां से बच्चे को भी प्रेषित हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसे जन्मजात सिफिलिस कहा जाता है. और अगर इसको हम डायग्नोज करना चाहें तो डायग्नोसिस इसकी होती है ब्लड टेस्ट से, रक्त परीक्षण द्वारा इसका निदान किया जा सकता है. और फिर दूसरा इसका तरीका है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी से भी हम इसको पता लगा सकते हैं. तो साथियों, आपको ये शब्द सिफिलिस या उपदंश आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आया होगा. ऐसे और शब्द लेके मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत होऊंगा. तब तक के लिए जो लोग इस वीडियो को देख रहे थे उन सबका धन्यवाद. फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार.